अमिताभ बच्चन का टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति 11 का आगाज हो चुका है। शो ना सिर्फ सवालों और कंटेस्टेंट को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, बल्कि अमिताभ की हंसी मजाक और दिलचस्प बातों को लेकर भी काफी सुर्खियां बटोरता है। फैंस को उनका ये अंदाज काफी पसंद आता है। अब हाल ही के एपिसोड में बच्चन एक कंटेस्टेंट के साथ काफी जमकर मस्ती करते नजर आते हैं और साथ ही साथ उनके आगे एक ऐसी शर्त रखते हैं जिसे पूरा करने में कंटेस्टेंट काफी शर्मा भी जाते हैं। चलिए आपको पूरा माजरा बताते हैं। दरअसल शो में अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठे सरहोल हरियाणा के रंजीत कुमार, जो पेशे से एक इलेक्ट्रीशियन है और इस वजह से वो अपनी पत्नी से दूर रहते हैं क्योंकि उन्हें अपने काम के सिलसिले में ज्यादातर बाहर ही रहना पड़ता है। अमिताभ उनकी जिंदगी के बारे में कई दिलचस्प बातों का खुलासा करते हैं, तो वही रंजीत अमिताभ के बड़े फैन होते हैं और अमिताभ से उनके शहंशाह फिल्म का एक डायलॉग कहने की गुजारिश करते हैं। बच्चन साहब ने भी रंजीत के आगे एक शर्त रख दी। बच्चन ने रंजीत से कहा, आप अपनी पत्नी को आई लव यू बोलेंगे। बेचारे रंजीत काफी शर्मा गए, लेकिन अपने चहेते स्टार अमिताभ बच्चन का डायलॉग सुनने के लिए उन्होंने ये भी कर दिया और अपनी पत्नी को प्यार भरे अंदाज में आई लव यू तक बोल दिया। फिर क्या था, अमिताभ ने भी अपने शहंशाह फिल्म का डायलॉग बड़ी ही खूबसूरती से पेश किया और पूरा माहौल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वाकई दिलचस्प किस्सा सामने आया। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से ज्योति की रिपोर्ट।